के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। जो बेहतर सुविधाएं देगा लोग वहां जाएंगे, इसके लिए तैयार है यूपी। सीएम योगी ने कहा, खुली प्रतिस्पर्धा है, जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे। ना हम किसी के निवेशक को झटक रहे हैं, ना किसी के विकास को कर रहे हैं बाधित। आप अपने हैं, अपने प्रदेश में भी निवेश करिए। सीएम योगी ने प्रवासी उद्यमियों से की अपील, कहा अपने अनुभव का लाभ दीजिए अपने लोगों को भी। 3 दिसंबर को 14 टेबल पर होगी गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना। देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद, मंडलायुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा। 5 दिसंबर को 9 नियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए जाने वाले नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम स्थल का शिक्षा मंत्री ने किया स्थलीय निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा, कहा गोरखपुर में मुख्यमंत्री अपने हाथों से देंगे नियुक्ति पत्र। जनपद में 647 शिक्षकों के साथ प्रदेश में 36,590 शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। जिलाधिकारी ने किया महद्दीपुर से जंगल कोड़िया तक के निर्माणाधीन 4 लेन का निरीक्षण। कार्यों के धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, कहा दिसंबर के अंत तक पूरा करें निर्माण कार्य। डकैतों के शातिर अंतरजनपदी गैंग का एसएसपी ने किया खुलासा। मुठभेड़ में सरगना बलराम समेत 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके से 2 शातिर बदमाश फरार होने में हुए कामयाब। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 4 लग्जरी वाहन, 2 तमंचा, कारतूस और चोरी का बड़ी संख्या में माल किया बरामद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, 5 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। जिले में 647 सहायक अध्यापक भी रहेंगे शामिल। सीएम योगी का देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का दौरा, कई मामलों में उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास। सदर सांसद रवि किशन ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयास से मिल रही है फिल्म सिटी योजना को रफ्तार। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने मंदिर की बेशकीमती मूर्तियों पर किया हाथ साफ। तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीओ ने कहा, जल्द बरामद की जाएंगी मूर्तियां, टीम किया गठित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा। कहा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के निष्पादन अनुदान के कार्यों को करें पूरा। महानगर के राजघाट थाना अंतर्गत तुर्कमानपुर डाकखाना के सामने स्थित श्रृंगार की दुकान में अचानक भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की 7 गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मद्देनजर एसएसपी ने मतगणना में लगे पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ। कहा सुरक्षा के साथ सकुशल सम्पन्न कराए मतगणना। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में संपन्न हुई जेम पोर्टल संबंधित बैठक। दी गई जेम पोर्टल संबंधित जानकारी। गोरखपुर में बुधवार को मिले 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,126। अब तक 323 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 426 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और बेसिक शिक्षा विभाग में जिले में मिले 647 नव नियुक्त सहायक अध्यापकों में से बुधवार को 499 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। शेष सहायक अध्यापकों की 3 और 4 को होगी काउंसलिंग। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे नियुक्ति पत्र का वितरण।